जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइएगा। राजयोग आएगा, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और आपको पता है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ, राजयोग हमें पता है। और अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे कि नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर जातक की कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होता है, हर जातक की कुंडली में। और हाँ, आपकी कुंडली में भी राजयोग है। दरअसल बात यह है कि राजयोग जो है, जिसके बारे में तरह तरह की अलग अलग गणनाएं हैं, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चिंतन हैं, जो अपनी जगह सही भी है, मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग कब प्रारंभ से होता है और अंत तक वो राजयोग अपना फल देता है। राजयोग जो अपने पिक टाइम पर होता है, देखिए होता क्या है, एकदम से अचानक आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, हंसता खेलता परिवार था, और एकदम से सब कुछ बिखर गया। ये उदाहरण आपको कम दिखाई देते होंगे, लेकिन ये उदाहरण इस दुनिया में सबसे अधिक दिखाई देते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो एक छोटी सी दुकान और गुमटी खोलता था, आज वो करोड़ों का संपत्ति का मालिक है। आपके गांव में, शहर में, आपके आसपास सभी जगह ऐसे जो तादाद है, ये बहुत ज़्यादा बताए दिखाई देंगे। अब वो लोग को तो पता नहीं था कि हमारी कुंडली में राजयोग है या राजयोग है भी या नहीं है। लेकिन राजयोग जो है, दरअसल एक प्रक्रिया है, दरअसल एक हमारा सिद्धांत है। अगर हम उन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो आपका जो राजयोग है, चाहे कुंडली में किसी भी ग्रह से राजयोग बन रहा है, आपको फल देगा। तो मैं आज इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी राजयोग आएगा और राजयोग आपको मिलेगा। दो चार बातें हैं जिनको अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अगर बात समझेंगे तो हमेशा आप राजयोग को भोग पाएंगे। पहली बात, महिलाओं की इज्जत। शुक्र जो है वो महिलाओं को रिलेटेड करता है, और अगर आप शुक्र को अप एंड डाउन करेंगे, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है महिलाओं की बेइज्जती करने से, या महिलाओं को अपमान करने से, या मन में एक घृणा और एक अलग सा भावना रखना महिलाओं के प्रति, जो कि आजकल बहुत से केस देखे जाते हैं, बहुत सी बातें सुनी जाती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, पर अगर ये कहीं 19-20 हो तो इस चीज़ पर ज़रूर आप काम करें। और ख़ास करके महिलाओं को भी मैं कह रहा हूँ, ये पुरुषों पर आधारित नहीं है, ये महिलाएं भी इसमें एड है कि कई बार महिलाओं महिलाओं की पटती नहीं है। तो महिलाओं की इज्जत करने से शुक्र मजबूत होगा, और जहाँ शुक्र मजबूत होगा, राजयोग, वैभव, जो जीवन है, वो सभी चीज़ें आपको हासिल होगी। दूसरी बात है बुजुर्ग, ये भी शुक्र को रिलेटेड करते हैं, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका देखभाल करें। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, आपको क्या दिया, क्या लिया, इन चीज़ों को भूलकर आप अपना कर्तव्य निभाएं, उनकी मदद करें। दूसरी बात, तीसरी बात है ईश्वर का जाप और स्मरण। अगर आप ईश्वर का कंटिन्यू जाप करते हैं, खासकर मैं महामृत्युंजय की बात हमेशा कहता हूँ, अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो उससे चांडाल योग योग भी दूर हो जाते हैं। आप खुद करें ना, चलते फिरते, उठते बैठते करते रहें। अगर उसका कंटिन्यू जाप आप करेंगे रोज 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, जितने आप में क्षमता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार करें, दो बार, लेकिन कम से कम 100, 200 बार तो करें, ताकि आपको वो मन और चेतना में हमेशा वो गुंजायमान रहे। ये तीन सिर्फ फॉलो करना है आपको, मेजर चीज़ें, या अपने इष्ट देव का नाम ले, ये तीन चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं विद इन 6 महीने तक कंटिन्यू, आपका जो कुंडली में राजयोग होगा वो धीरे धीरे आपको प्रभाव दिखाएगा, और आपको सभी चीज़ें जो अस्त व्यस्त ठीक हो जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। दो बात तो जो है, आप सम्मान करते हैं महिलाओं का भी, बुजुर्गों का भी, लेकिन ईश्वर का जो नाम है, महामृत्युंजय का जाप है, ओम नमः शिवाय का जाप है, उसे कंटिन्यू रखें, हमेशा आपको फायदा मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक्स पर आधारित था। मैं दूसरा पार्ट आपके लिए लाऊंगा, जो विशिष्ट, जिसमें बातें और रखूंगा अपनी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी कमेंट्स में खुलकर राय लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।